प्रदेश के गोंडा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने एक शिक्षक ने जमकर हंगामा किया। शिक्षक छुट्टी ना मिलने से तंग आ गया था। शिक्षक ने ठंड के इस मौसम में पहले शर्ट उतारी और फिर दफ्तर के बाहर ही हवा में पैसे उड़ा दिए। शिक्षक का आरोप है कि उससे छुट्टी के बदले पैसे मांगे गए, जो दो बार के अवार्डी टीचर प्रवीण लगातार छुट्टी की मांग कर रहा था। प्रवीण का कहना है कि उसके पिता और बच्चे की हालत ठीक नहीं है। प्रवीण का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे में वो लगातार छुट्टी की मांग कर रहा था, लेकिन अधिकारी छुट्टी के बदले पैसे मांग रहे थे, जिसके बाद प्रवीण गुस्से में आकर बीच सड़क पर हंगामा करने को मजबूर हो गया। प्रवीण के इस हंगामे के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आप भी वीडियो देखें कैसे टीचर छुट्टी नहीं मिलने पर दफ्तर के बाहर शर्ट उतार कर हंगामा कर रहा है। अरे 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 नहीं नहीं अरे पैसा ले लो यार, पैसा लो ना, खाओ ना ये पैसा, बहुत बहुत धक्का लूट लो, पैसा मिल ले भैया, मिल ले काय गिल्लू भैया, लो यार ठीक मांगो, चल ठीक मांगो, ठीक मांगो ना, ठीक मांगो, तेरे को पड़ा है पैसा, लड़का लो ठीक है, अरे बाप रे, ए चला बिजट है 10,000 ज्यादा लाया हूं, ले लो लूट लो पैसा, लूट लो या पड़ा है ये पैसा, लूट लो ले जा, मैं तेरा काम करता हूं, विद्यालय जाता हूँ अपने बाप को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ काम करता हूँ, बच्चों के लिए काम करता हूँ, बच्चों के 1,000-2,000 रुपए बच्चों के लिए मेहनत देता हूँ, मंदिर बजट में नहीं देता हूँ, मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ, तुम लोग मुझे लूटोगे, बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, दो बार अवार्ड प्राप्त किया है मेरे को, अवार्ड प्राप्त, ऐसे अवार्ड प्राप्त करने के क्या फायदा मिला मुझे, क्या बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग चोर हो, मैं तो चोर नहीं हूँ ना, पहले मैं मारूंगा यहाँ से बाबू, अगर अपने बाप के वाला दो यहाँ निकल के दिखाओ, और अगर ना मारूं ना मारूं तो मेरी वाइफ भी यहाँ जंजरी ब्लॉक में है, टीचर है, 15 तारीख से मैं अपनी बीवी को, मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज है, 15 तारीख से छुट्टी दिलाने के लिए उसके लिए प्रयासरत हूँ, दो बार मेरी छुट्टी कैंसिल की गई, 28 तारीख को तीसरी बार छुट्टी दी गई, मतलब ऑनलाइन किया गया, उसके बाद मैं छुट्टी, मेरे को 30,000 रुपए की डिमांड की गई, तो मैं सर मैं किसने डिमांड की, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय है, क्या नाम, जंजरी 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 वाले खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने डिमांड की गई, उसके बाद यहाँ पर आया हूँ, बीएसए साहब से मेरी बात हुई, बीएसए साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ जनविजय बाबू है, मुझसे बोलता है पैसा चाहिए 30,000 रुपए, क्यों दूंगा 30,000 रुपए, मैं किस लिए काम करूँ, मेहनत से काम करता हूँ, मेरा बाप पैरालाइज है, मेरी बीवी बच्चे यहाँ है, मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है, मैं किस चीज का पैसा दूंगा भाई साहब, मुझे बताइए, मैं रेगुलर काम करता हूँ, दो बार कबाडी टीचर हूँ, क्यों पैसा मांगा गया आपसे, पैसा इसलिए मांगा गया कि छुट्टी फॉरवर्ड की जाएगी, तो क्यों छुट्टी फॉरवर्ड की जाएगी, मेरा हक है, मेरा राइट है, बाबा साहब ने मुझे राइट दिया है, उसके बाद मैं क्यों छुट्टी के लिए पैसा दूंगा, एक अठन्नी नहीं दूंगा किसी को, सब्जी मैं क्यों दूंगा छुट्टी, मुझे मैं छुट्टी चाह रहा हूँ, अगर मुझे मेरा राइट है तो मुझे छुट्टी दी जाना सर, उसके बाद यहाँ मुझसे पैसा मांगा जाता है, मैं पैसा नहीं दूंगा सर किसी को, मैंने बीएसए साहब से कहा, बीएसए साहब ने बोला आपको छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आया हूँ, इनसे बात की गई है, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि छुट्टी, मुझसे बोलते हैं कि पैसा चाहिए, किस चीज मुझसे बोलते हैं, बीएसए साहब जनविजय बाबू है वो बोल रहा है कि पैसा चाहिए, कि बीएसए साहब पैसा मांगते हैं, तो बीएसए या तो बीएसए साहब मुझसे खुलकर मांगे ना पैसा, मैं बीएसए साहब को पैसा दूंगा, अगर आज मेरा नहीं होगा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ऐसी नौकरी करने का, मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा तो मैं ऐसी नौकरी करके करूंगा क्या। देखिए कल शाम का मामला है 4 बजे के आसपास का, और जैसे ही प्रकरण ये सीसीएल के छुट्टी का मामला था, जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया तुरंत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनके निर्देश के क्रम में मैं जांच कमेटी गठित किया, और जांच कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये तो जांच में पता चलेगा हंगामा का कारण क्या है, किसी को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो विभागाध्यक्ष से लिखित रूप से या मौखिक मिलकर अपनी समस्या को बताना चाहिए, हमसे वो आदमी कभी मिला नहीं, और एक बार फोन किया था छुट्टी के संबंध में, मैं उसको बताया भी कि तुम्हारी छुट्टी सुरक्षित हो जाएगी, परेशान मत हो, उसने 3 तारीख से
तीन जनवरी से और मार्च तक की तीन महीने की शायद सीसीएल के लिए आवेदन किया है। ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन के माध्यम से ही उसने आवेदन किया है। पूरा प्रकरण ये जांच का प्रकरण है, जैसे ही जांच कंप्लीट हो जाएगी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पैसा लुटा रहा था तो इससे क्या साबित होगा? उसके मानसिकता को मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो किस ढंग का है, ये तो जांच का विषय है ना कि उसके पीछे क्या मामला है। हाँ, वो कटरा बाजार में हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में है, उसकी पत्नी दूसरे ब्लॉक में झंझरी ब्लॉक में है, बच्चे के देख रेख के लिए ही वो छुट्टी का आवेदन किया था। और ये प्रकरण चूंकि जांच का प्रकरण है, जांच आ जाने दीजिए तो पूरी रिपोर्ट। वो आरोप लगा रहे थे कि पैसा मांगा जा रहा था। अब यही चीज तो जांच का प्रकरण है, कहां जो भी गलती में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।